तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं सांतत्य तथा अवकलनीयता। लेसन कौन था? ये लेसन है आपका, लेसन 5 है। तो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का लेसन कौन सा है? 5वां है, सांतत्य तथा अवकलनीयता। इस सांतत्य को सतत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सतत या सततता कहते हैं। क्या बोलते हैं? सततता, सतत हो गया, उसी में ता लगा, सतत्ता। तो सांतत्य भी कहिए चाहे सततता भी कहिए, इसको इंग्लिश में कंटिन्यूअस बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो निरंतर प्रगतिशील रहे, चलता रहे। टेंस पढ़ते हैं ना, तो जा रहा है, खा रहा है, कर रहा है, जो भी है काम अभी हो रहा है, तो उसी तरह इसमें है सांतत्य। सांतत्य का अर्थ होता है जैसे कोई फलन है आपका, हम लोग पहले इसी को पढ़ते हैं सांतत्य, और फिर क्या पढ़ेंगे? अवकलनीयता। तो हम लोग सांतत्य पढ़ेंगे पहले, सांतत्य, उसके बाद अवकलनीयता को पढ़ेंगे। सांतत्य की, सांतत्य होता क्या है? जैसे fx इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास एक फलन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 1। fx मतलब आप जानते हैं, fx मतलब क्या? y। fx मतलब y। अब ध्यान से देखिए, या ऐसे सिंपल और ले लेते हैं, x प्लस 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो y इक्वल टू हो गया x प्लस 1। अब कोई पूछे कि बताइए ये फलन सांतत्य है कि नहीं है, या सतत है कि नहीं है, तो इसको हम कैसे जानकारी करेंगे? तो सतत का मतलब होता है कि जिस भी फलन की सततता जांच करनी है, सांतत्यता जांच करनी है, उस फलन का एक ग्राफ खींचे, उस फलन का क्या खींचे? एक ग्राफ खींचे, और ग्राफ खींच करके हम ये देखें कि जो हमारा ग्राफ का लाइनिंग आ रहा है वो एकदम सीधा आ रहा है कि कहीं आगे जाके मुड़ भी रहा है। अगर लाइन एकदम सीधा आएगा तो कहेंगे फलन हमारा सतत है, माने इस फलन से हम ग्राफ खींचे, और ग्राफ हमारा कैसा आ जाए, एकदम सीधा आ जाए, तो हमारा फलन कैसा होगा? सतत होगा। और ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा होने लगे तो फलन कैसा हो जाएगा? असतत हो जाएगा। तो एफ एक्स अगर हम कहें कि चलिए f1 निकालते हैं, तो f1 रखेंगे तो एक्स 1 + 1 2 हो जाएगा। हम कहें कि f2 निकालें तो 3, f3 निकालें तो 4, f3 मतलब x के बदले में 3 ना, 3 × 4, f4 निकालें तो कितना हो जाएगा? 5। अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो ये x का मान है, समझ रहे हैं, आज जो निकल के आ रहे y का मान है। हाँ, अरे fx का मतलब क्या है? y है। fx मतलब क्या है? y। x के बदले में 1 रखे तो 2 आया, x के बदले में 2 रखे तो 3 आया, तो ये जो ये दिख रहा है वो x का मान है, जो मिल रहा है वो किसका मान है? तो 1 2 निकालेंगे, देखिएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। यहाँ से बढ़िया स्पष्ट कब दिखेगा? जब ग्राफ पर इसको खींचेंगे, तो फिर भी हम लोग यहाँ पर जान जाएंगे। तो 1 2 खींचिए, तो 1 x पर 1, वाई पर 2, एक बिंदु यहाँ मिला, ठीक है। 2 3 खींचिए तो इस पर 2, इस पर 3, x पर 2, y पर 3 ना हुआ। अच्छा अगर सोचिए x पर 1, y पर 2, ठीक है, आगे बढ़िए, x पर 3, y पर 4, x पर 3, y पर एकदम 4 के सामने होगा ना, 3 के सामने होगा, 1 2, हाँ 3 के सामने, ठीक है, कोई बात नहीं है, यहाँ होगा, अरे थोड़ा तो 2 के सामने सीधा करो इसको, 2 के सामने, ठीक है, x पर 4 y पर 5, x पर 4 हो गया ना, अब y पर ले जाएंगे तो इस 5 के सामने ना होगा। देखिएगा जब इसको आप मिला रहे हैं तो ग्राफ हमारा सीधा मिल रहा है कि टेढ़ा मिल रहा है? सीधा हो रहा है, मतलब फलन आपका कैसा है? सतत है। बात समझ रहे हैं, फलन क्या है? सतत है। अब कोई पूछे कितना पर सतत है, तो x इक्वल टू 1 पर भी सतत है, 2 पर भी सतत है, 3 पर भी सतत है, 4 पर भी सतत है, प्रत्येक मान के लिए क्या है? सतत है। तो हमको यही चेक करना है कि कौन फलन सतत है और कौन फलन असतत है। सततता का मतलब क्या समझ रहे हैं? कि हम किसी फलन का ग्राफ खींचे x के विभिन्न मान पर, किसी फलन का x के विभिन्न मान पर ग्राफ खींचे, और ग्राफ कहीं टूटता हुआ नहीं दिखाई दे। टूटता हुआ मतलब समझ रहे हैं, अब इन्हें घूम जाए, मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ खींच दिया आगे जो ऐसे हो जाए, टेढ़ा हो जाए, थोड़ा ऐसे हो जाए, तो ग्राफ टूट गया ना हमारा, इसको बोलते हैं ग्राफ भंग हो गया, टूट गया,
तो टूटने का मतलब क्या है कि टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया मतलब सतत नहीं है, ये असतत है। क्या है? असतत है। आ सीधा चलेगा तो सतत, टेढ़ा चलेगा तो असतत। तो हर फलन के लिए ग्राफ खींचना संभव है? नहीं है। तो दूसरा कोई उपाय लगाएंगे? तो अब जब सवाल देगा ना तो पूछ देगा, फलन दे देगा और कह देगा एक्स इक्वल टू फलाना, एक्स इक्वल टू ए, मतलब टू पर चेक कीजिए, थ्री पर चेक कीजिए, फोर पर चेक कीजिए, फाइव पर, हम तो यहाँ वन पर भी चेक किए हैं, टू पर, थ्री पर, फोर पर, चार मान पर चेक किए हैं ना, वो चार को मान थोड़ी देगा, वो कहेगा एक्स इक्वल टू वन पर चेक कीजिए कि फलन सतत है कि नहीं है, एक्स इक्वल टू टू पर चेक कीजिए फलन सतत है कि नहीं है। तो हमको सततता की क्या करनी है? जाँच करनी है। तो हम हमेशा ग्राफ नहीं खींच सकते हैं, समझ रहे हैं? तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे और हल करके निकालेंगे कि हमारा फलन सतत है कि नहीं है। लेकिन सततता का अर्थ समझ गया ना? सततता का मतलब क्या हुआ? कोई फलन सतत कब होगा? जब उस फलन का हम ग्राफ खींचे और ग्राफ कहीं टूटता हुआ नहीं दिखाई दे, एकदम सीधा हो, तो फलन क्या है? सतत है। और अगर ग्राफ टूटता हुआ दिखाई दे, भंग हो जाए, तो फलन क्या है? असतत है। ये ना मतलब हुआ। अब कोई फलन एफ एक्स है, कोई फलन क्या है? एफ एक्स। अब ये एक्स इक्वल टू ए पर चेक करना है कि ये सतत है कि नहीं है। कितना पर? कोई फलन एफ एक्स है और इसको चेक करना है कि एक्स इक्वल टू ए पर ये सतत है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स इक्वल टू ए पर निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी निकाला जाता है तो फलन को निगेटिव फॉर्म में लिया जाता है, घटा के लिया जाता है। बात समझ रहे हैं? घटा करके, मतलब कि जो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट मतलब आप समझते हैं ना, संख्या रेखा पर बाएं की तरफ, तो बाएं की तरफ घटाव होता है। अब इसको कितना पर चेक करना है? जैसे मान लीजिए कि इसको चेक करना है थ्री पर, तो एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री में से थोड़ा सा घटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स। ए निगेटिव एफ एक्स मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने ए में से थोड़ा सा कहाँ जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, मैंने ए से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और फिर से निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? लिमिट एक्स टेंस टू देखो ना आर एच एल, राइट हैंड लिमिट, तो एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, समझे? मतलब कि जिस पॉइंट पर हमको सतत्ता जांच करना है ना, उसे थोड़ा सा पहले का मान निकाल लेते हैं निगेटिव करके, और उसे थोड़ा सा बाद का मान निकाल लेते हैं पॉजिटिव करके, और एक बार एग्जैक्ट वही चीज़ निकाल लेते हैं एफ ए, समझे? तो एफ ए कैसे निकालेंगे? एक्स के बदले में डायरेक्ट क्या रख देंगे? ए रख देंगे। तो अगर ये तीनों चीज़ बराबर हो जाए, कौन कौन, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, अगर ये तीनों चीज़ बराबर हो गया, तब हम कहेंगे कि जो हमारा फलन है वो क्या है? सतत है। और अब उसका अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक डिस्टर्ब हुआ तो तीनों बराबर तो नहीं रहेगा ना। मान लीजिए दो बराबर हो गया, तीसरा बराबर नहीं हुआ, या पहला तीसरा बराबर, बीच में का बराबर नहीं हुआ, तब फलन क्या है? असतत है। और उस समय अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जरूर कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा जा करके। कुछ समझ आ रहा है? तो हमको मेन चीज़ क्या होता है, किसी भी फलन का क्या निकालना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उसके बाद से जिस जिस पर वो मान पूछ रहा है ना, उसी पर मान निकालना होता है एफ ए। तो ये दोनों चीज़ निकाल के उसके बाद से इसको निकाल देते हैं, तीनों को निकाल देते हैं और देखते हैं कि तीनों बराबर है कि नहीं है। अगर तीनों बराबर है तो फलन क्या है? सतत है। बराबर नहीं है तो सतत नहीं है। समझ आ रहा है? हमको क्या निकालना होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। समझ आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। लेफ्ट का मतलब कि आप माइनस की तरफ जाएंगे, माने कम की तरफ जाएंगे, और राइट हैंड लिमिट का मतलब प्लस की तरफ। तो हमारा फलन क्या है? ध्यान देना, फलन हमारा है एफ एक्स। किस पर जांच करना है? एक्स इक्वल टू वन पर। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं? तो लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स। समझ रहा है? उसके बाद राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं?
राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, और उसके बाद सीधे फॉरन का मान निकाल देते हैं एफ है? कहाँ ये माइनस, अब ठीक है, और उसके बाद से एफ ए निकाल देते हैं, और जब तीनों चीज़ बराबर हो जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ए, तो फलन को कह देते हैं कि क्या है, फलन हमारा सतत है, फलन सतत है, फलन क्या है सतत है, ये चीज़ आपको याद रखना है, समझ रहा है। और याद रखने से बढ़िया है कि दो तीन को सवाल प्रैक्टिस किया जाए ताकि समझ में कैसे करना ये ढंग आ जाए। तो थोड़ा सा इसमें कब किताब में का मनोहर का देखते हैं क्वेश्चन, उठा लिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए तो लिख रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, आ कह रहा है कि चेक कीजिए एक्स इक्वल टू कितना पर, टू पर, कि ये सतत है कि नहीं है। इसको लिख लेना ध्यान से, मेन चीज़ समझो क्या है, हमको चेक करना है कि ये सतत है कि नहीं है। तो क्या निकालें पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो देखिए लेफ्ट लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू बताओ टू निगेटिव, हाँ टू निगेटिव, क्योंकि हमारा ए के बदले में टू है ना, अब हमारा यहाँ रहेगा एफ एक्स, क्या रहेगा एक लाइन आपको याद रखना है, हम थोड़ा सा इसके लेफ्ट में ना जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं दो के लेफ्ट में, दो के लेफ्ट में दो से थोड़ा सा कम, तो दो से थोड़ा सा कम जाने के लिए थोड़ा सा कुछ कम घटाना भी पड़ेगा, अरे दो से कम करना है तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ घटाएंगे ना, तो हम वो छोटा राशि घटाते हैं एच, हम क्या घटाना चाहते हैं एच, अरे दो में से कुछ घटाएंगे तभी ना छोटा होगा, तभी ना आप लेफ्ट जाएंगे, ताकि कुछ ना कुछ घटाएंगे ना, तो क्या घटाना चाहते हैं हम, एच घटाइए, तो लिमिट लिमिट रहने दीजिए अभी, देखिए और एफ एक्स के बदले में तो दू होकर करेगा, लेकिन दू रखना नहीं है, दू से थोड़ा सा लेफ्ट में जाना है, तो माइनस एच, लेकिन एच इतना छोटा है कि हम एच टेंस टू जीरो कर दे रहे हैं, ये लाइन समझिए, यही मेन इसका टर्निंग पॉइंट है, सुनो ध्यान से, हमको एक्स इक्वल टू टू पर सततता ज्ञात करना है ना, मतलब कि जब लेफ्ट हैंड निकालना पड़ेगा तो हमको टू से थोड़ा सा कम करना पड़ेगा वैल्यू को, थोड़ा सा पहले आना पड़ेगा ना, तो दो के पहले आने का मतलब क्या है, दो से कम हो जाना, और दो से कम होने के लिए छोटा सा कोई चीज़ उसमें से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो हम क्या घटाना चाहते हैं उसमें से, एच घटा देते हैं, और एच इतना छोटा घटाए हैं ना कि वो टेन टू क्या कर रहा है, जीरो कर रहा है, मैंने लगभग जीरो के क्या है, करीब है, लेकिन जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है तो दो में से थोड़ा सा भी कम घटेगा तो दो से तो कम हो जाएगा ना, तो ये हो गया एक्स के बदले में, देखिए एक्स के बदले में दो, जो माइनस आप देख रहे हैं ना, माइनस के बदले में क्या किया, इसका मतलब कि घटाना है कुछ, तो हम क्या घटाए हैं एच, और एच इतना कम लिए हैं कि एच टेंस टू क्या हो गया है, जीरो, तो ये लाइन समझ में आया, दो लाइन, अब आसान हो चुका है, हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो देखिएगा एफ एक्स के बदले में टू माइनस एच है, तो जो है फलन आगे लिखा जा रहा है ना, इसमें भी एक्स के बदले में क्या लिखेंगे, टू माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब एफ एक्स एक्स के बदले में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एक्स के बदले में क्या लिख रहे हैं, देखिएगा एक्स के बदले में टू माइनस एच ना हो रहा है, तो लिखिए यहाँ पर टू माइनस एच, एक्स के बदले में हो गया आई स्क्वायर प्लस वन, समझा रहा है, हम क्या किए हैं, एफ एक्स है ना, तो एक्स के बदले में ना टू माइनस एच हो रहा है, तो देखिए जब एफ एक्स था तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन था, अब एक्स के बदले में हो रहा है टू माइनस एच, तो यहाँ भी एक्स के बदले में क्या होगा, टू माइनस एच होगा, तो टू माइनस एच स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस वन है तो प्लस वन, ठीक है। अब देखिए आगे, लिमिट एच टेंस टू, नीचे तो कुछ बटा में है नहीं कि जीरो का डर है, प्रसार कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो फोर एच लिख दें, टू इंटू ए तो दो दूना चार, आ एच चार एच हो जाएगा, आप प्लस वन, और आराम से रखिए एच का मान जीरो, अब जैसे ही आप एच का मान जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो फोर प्लस जीरो
माइनस जीरो प्लस वन मतलब चार एक कितना हो गया, तो ये निकला लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत लेफ्ट हैंड लिमिट में? नहीं, इसको मिटा दे कुछ देर के लिए। अब लिखेंगे इसको, पहले लिख लीजिए तब मिटाते हैं। अच्छा यहाँ बना देते हैं बीच में, देखिए यहाँ पर लिखिए नहीं अभी, इसको यहाँ बना देते हैं। अब हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में हमको प्लस की तरफ जाना है, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव एफ एक्स। कोई दिक्कत? तो हम दू से थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं ना, तो उसमें एच प्लस कर देंगे, उसमें क्या कर देंगे, एच प्लस कर देंगे, टू प्लस एच कर देंगे, मतलब दो में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बह जाएंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट। एच ना बढ़ रहे हैं तो एच टेंस टू जीरो और एफ टू प्लस एच कर देंगे। जहाँ दो तीन सवाल लगातार बनाए ये झंझट खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो टू प्लस एच, अब वही चीज़ हुआ फिर से, फलन तो हमारा कितना है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एफ टू प्लस एच है ना, तो इसमें भी कितना हो जाएगा, एक्स के बदले में टू प्लस, सीधा सीधा समझो ये एक्स का मान है, कितना होगा टू प्लस एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स के बदले में टू प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो प्रसार कीजिए, चार प्लस एच स्क्वायर प्लस फोर एच, कैसे, ए स्क्वायर मैंने दो का स्क्वायर चार, प्लस बी स्क्वायर मैंने एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, और प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए, ए मतलब दो दूना चार, आ चार एच, चार एच हो गया, आ प्लस वन, फिर मान रखिए जीरो, तो फोर प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन, फिर से तो फाइव आ गया, मतलब आपका राइट हैंड लिमिट जो आ रहा है ना वो भी कितना आ गया, फाइव, और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइव आ ही रहा है। अभी एक और चेक करना है, अब डायरेक्ट एफ टू निकालिए, एफ ए निकालते थे ना, एफ ए दो को तो निकाल दिए हैं, अब एफ ए निकालना है, तो ए मतलब कितना है, टू है, डायरेक्ट एफ टू निकालिए, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो एफ टू निकाल रहे हैं, मैंने एक्स के बदले में कितना रख रहे हैं टू, तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर प्लस वन, दो दुना चार एक, तीनों बराबर हो गया, जब तीनों बराबर हो गया तो फलन हमारा क्या है, सतत है। अब सीधे यहाँ पहुँचिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए, एफ ए माने एफ टू, अतः फलन क्या है, सतत। एक लाइन में बना दिया है कि तभी हमें एक लाइन, हाँ बहुत मेहनती था न्यूटन, उसके अंदर जिज्ञासा थी, आज जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होगा वो कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है जिज्ञासा है तो गलती तो करेगा, अगर आपसे गलती नहीं हो रही तो आप ये मान के चलिए कि आपने कुछ नया प्रयास ही नहीं किया। एडिसन का नाम सुने हैं ना, एडिसन कितना एक्सपेरिमेंट अपना फेल किया था, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था ना, 1200। तो एडिसन सोचो कि अगर ये कह देता कि भाई इतना एक्सपेरिमेंट कर दिए अब कुछ हो ही नहीं रहा है, छोड़ो दूसरा काम करते हैं, दुकान किराना का चलाते हैं, सक्सेस होता नहीं होता, हाँ लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट से भगा होता वो तो क्या सफल होता नहीं। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं और गलती हो रहा है ना तो जेन्युइन चीज़ है, काम में गलतियाँ होती हैं, और गलती हो रहा है मतलब आप नया कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो आदमी नया करने का प्रयास करता है ना गलती उसी से होता है, तो जो आदमी नया कुछ करने का प्रयास करेगा वही गलती करेगा। तो हम लोग, अच्छा इसका प्रश्नावली कौन बन रहा है, प्रश्नावली 5.1 बन रहा है क्या, प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1 हम लोग शुरू कर चुके हैं, ठीक है। अब एक और मनोहर रे का क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन देखेंगे, देखो क्या चला रहा है, अच्छा क्वेश्चन देख रहा, चलो मनोहर रे का एक क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बटा एक्स एक्स माइनस टू, ठीक है, और कह रहा है कि बताइए एक्स इक्वल टू टू पर यह संतत है कि नहीं है, मैंने एक्स इक्वल टू टू पर क्या करना है, सततता की जांच करना है, तुम कह रहा था बटा वाला, देख लो बटा वाला, एगो तो एक्स इक्वल टू अब टू डायरेक्ट रख देंगे तब तो जीरो हो गया, नीचे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले पहले, देखिए पहले क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसका निकाला जाए एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा
जल्दी बोलिए, लिमिट x टेंस टू टू निगेटिव एफ एक्स, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड आप निकाल रहे हैं तो लिमिट, अब लिखिए h टेंस टू जीरो, क्योंकि आप टू में से कुछ घटा रहे हैं और टू में से कुछ घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा f टू माइनस h, और जैसे ही f टू माइनस h हुआ मतलब x के बदले में क्या रखेंगे, टू माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, टू माइनस h रखिए तो x के बदले में टू माइनस h ना, देखिए ना f x है, x के बदले में 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि फलन तो हमारा यही ना है, फलन तो कुछ अलग है नहीं, आ माइनस 4 बटा 2 माइनस एच, तो बाद में ना माइनस है जी, माइनस 2 कर देते हैं, इस तरह से हुआ। आगे हल कीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, हाँ 4 प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू इंटू ए मतलब दो ना, दो दूना चार, तो फोर एच आ माइनस फोर, क्यों जी, अच्छा ये तो कट जा रहा है तो क्या नीचे आया, क्या इसको मतलब डायरेक्ट जीरो रख सकते हैं, नहीं रख सकते, रखेंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, नीचे जीरो हो जाएगा ना, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा इसमें चार से चार भी तो कट रहा है, क्या बचा एल एच एल, क्या बचा लिमिट h टेंस टू h स्क्वायर माइनस 4h बच रहा है, तो क्या कीजिए कि h कामन कर दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, क्या कर दीजिए h कामन, जैसे ही आप h कामन करेंगे तो h माइनस 4 बनेगा, h माइनस 4 और नीचे कितना है तो अब तो h से h आराम से काट सकते हैं ना, क्या आया लिमिट h टेंस टू जीरो h माइनस 4 बटा माइनस 1 है जी, अब h का मान तो आराम से जीरो रख सकते हैं ना, क्योंकि नीचे तो अब जीरो नहीं हो रहा है, तो देखिए सीमा का उपयोग हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर पूरा हो रहा है, अब h का मान जीरो रखिए तो जीरो माइनस 4 बटा माइनस 1, जीरो माइनस 4 माइनस 4 और नीचे बटा माइनस 1, ये मिला के 4 हो जाएगा, तो LHL कितना, LHL कितना हो गया 4, एक चीज निकल गया। अब हम निकालते हैं आर एच एल, तो यहाँ से निकालिए आर एच एल, तो लिमिट x टेंस टू टू पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा एफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, एफ टू प्लस एच, दो से थोड़ा आगे जाना चाहते हैं, अब टू प्लस एच करेंगे तो देखिए अब x के बदले में टू प्लस एच ना होगा, तो ये हो जाएगा आर एच एल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू h टेंस टू जीरो, x के बदले में 2 प्लस h, तो हो गया 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4 बटा 2 प्लस h माइनस 2, समझ आ रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो, फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए तो 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4 h माइनस 4 बटा केवल h बचा, चार से चार कैंसिल, जो आ रहा है उसमें भी h कामन कर दीजिए तो h प्लस 4 बचेगा ना, अब बटा कितना हो गया h कामन कर देंगे, h से h कट गया, अब h का मान रखिए तो 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया 4, अब f2 निकाल दे सीधे, f2 कैसे निकालेंगे, सीधे x का मान 2 रखें, सीधे 2 रखें तब तो रख देंगे 2 माइनस 2, गड़बड़ा जाएगा ये, अभी नहीं प्रसार कीजिए, fx इक्वल टू देखिएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बटा x माइनस 2 है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बटा x माइनस 2, कट गया, अब मिला x प्लस 2 मिला, ये एफ एक्स का मान हो गया x प्लस 2, अब निकालिए f2, तो 2 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 4, तो f2 बराबर मिल गया ना, नीचे हमारा 4 नहीं होना चाहिए, क्या हो गया नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, देखिए तीनों चीज़ बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों बराबर आ गया, मतलब x इक्वल टू 2 पर फलन क्या है, संतत है, तो लिख देंगे अतः नीचे, अतः फलन x इक्वल टू 2 पर क्या है, सतत है।
कुछ समझ में आ रहा है, बाउंस नहीं ना कर रहा है। चलो।